नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रही T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को करारी शिकस्त दी है। जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हरा दिया है। हालांकि भारत अभी भी सीरीज में 2-1 से आगे है। साउथ अफ्रीका की महिला टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। वांडर्स की पिच पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 17.5 ओवर में महज 133 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। इसी के साथ ही उसने साउथ अफ्रीका की महिला टीम को जीत के लिए 134 रनों का टारगेट दिया। अपनी टीम के लिए हनीप्रीत कौर ने कप्तानी पारी खेलते हुए 30 गेंदों में 48 रन बनाए।